लज्जी लज्जी क्या कर रही है, उठ काम चल, जा रही चल चल। अरे सवाल मत कर, आज मैं तुझे सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? हाँ एक मिनट, अरे आंखें बंद रख, चल चल चुपचाप। आज मैं तुझे ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि तू बस देखती रह जाएगी। क्या कर रही है तू? इतना मत। कौन है? हाँ आंखें बंद रख, अभी जब मैं कहूँ तब खोलना। हाँ ओके ओके रेडी। देख लज्जी, राहुल आया है, अपना घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़ के तुझे अपनाने आया है। लज्जी वो तुझसे शादी करना चाहता है। मेरी बहन मैं आज कितनी खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकती। तेरी पहली शादी मेरे लिए सिर्फ एक खुशी थी, लेकिन ये शादी मेरा अरमान है, मेरा सपना है। मैं इसी वक्त बाबूजी माँ जी दादी माँ सबको फोन करके एक खबर सुनाऊंगी। वो तो देखना वो कितने खुश होंगे। लज्जी वो कितने खुश होंगे। कितने अच्छे हो तुम मेरे लिए, तुम अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ाए। मैंने तो कभी किसी से इतने प्यार की तमन्ना नहीं की थी, ना मुझे उम्मीद थी। ये मेरी खुशनसीबी नहीं तो और क्या है। राहुल इतना प्यार मत करो मुझसे, मैं तुम्हारा ये प्यार संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे इस बात की खुशी है राहुल कि देर से ही सही तुमने अपना इरादा तो बदला, लेकिन मैंने उसी वक्त अपना इरादा बदल दिया था जब तुम मुझे अकेली छोड़कर चले गए। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लज्जी ये तू क्या कह रही है? लज्जी लज्जी ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। You're right, Vicky. ये मेरी जिंदगी का ही सवाल है, क्योंकि ये प्यार नहीं है विकी। प्यार तो राहुल ने मुझसे उस वक्त किया था जब उसे मेरी जिंदगी की हकीकत के बारे में पता नहीं था, और आज राहुल यहां प्यार लेकर नहीं, हमदर्दी लेकर आया है, और हमदर्दी उसी से की जाती है जो कमजोर होता है, और मैं कमजोर बनकर जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। और देखा जाए तो अच्छा ही हुआ राहुल, अगर शादी के बाद तुम्हें मेरे बारे में पता चलता तो जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता। और फिर मुझे ऐसा लगता है राहुल, मुझसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की जरूरत है। लज्जी क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है?